यो तो कैसे हो सब। तो बड़े लंबे टाइम के बाद हम लोग आ चुके हैं एक और नई सोलो ग्रैंड मास्टर पोस्टिंग की सीरीज वाली वीडियो लेकर। ठीक है, बड़े टाइम से हम लोग ग्रैंड मास्टर नहीं लगाए, तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग 10 दिनों तक लगातार रैंक पोस्टिंग करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे ग्रैंड मास्टर पोस्टिंग करने का। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर ग्रैंड मास्टर लगना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 500 स्कोर और भाई को बहुत काम रहता है दिन भर। बट कोई बात नहीं, जैसा वादा करके जा रहे हैं और वैसा ही वादा हम लोग पूरा करने वाले हैं, क्योंकि 10 दिन है अपने पास और 10 दिन के अंदर हम लोग को ग्रैंड मास्टर लगाना है। बाकी का सभी लोग यहाँ सब वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले गेम में भाई मेरा 9 किल है, तो और अभी भी यहाँ पर से एक बंदा इलाइव है, जो कि भाई मतलब पीछे की साइड उतरा था, सेंटू नहीं लगाया था वो बंदा, और उसके बाद नीचे कूद गया। तो भाई इसको मॉन्स्टर ट्रक से उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर मेरा जो मॉन्स्टर ट्रक होता है ये बक्सों में ठुक जाता है, और ये बंदा यहाँ पर से अंदर से निकल जाता है। तो इसलिए बंदे को लोग वापस उड़ाने का ट्राई करते, फिर बंदे का नसीब इतना अच्छा कि वापस बच जाता है। बट उसके बाद M10-3 से यहाँ पर से बंदे को मार के फिनिश कर देते हैं, और जो गेम होती है उसको हम लोग कर लेते हैं बोया। वैसे तो हम लोग कोई वेपन ग्लोरी पुश नहीं कर रहे, आप छोड़ दिए वो चीज़। तो हम लोग को यहाँ पर से मिलता 51 का प्लस। तो चलो फिर हम लोग सिर्फ रैंक पॉइंट पर ध्यान देने आज की वीडियो में। तो यहां पर से देख सकते हो भाई कैसे कैसे बंदे आए थे रात में, और देख लो भाई यही है ग्रैंड मास्टर लॉबी, जो कि बंदे बड़े बड़े क्रिएटर बोलते हैं ना कि ग्रैंड मास्टर में काफी पुरो बंदे आते हैं। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो किस टाइप के बंदे आए, ये रियलिटी है। और न्यू लॉबी का ग्लिच चाहिए तो बताना, हम वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, बाकी मेरा 10 किल ऑलरेडी हो चुका, और अभी भी यहाँ पर से दो बंदे अलाइव है। तो चलो फिर इनको भी हम लोग मारते हैं, और ये भी थोड़े बहुत बॉट ही होंगे। अब जरूरी नहीं कि हर बार बंदा आपको बॉट ही मिले, कभी कभी पुरो भी मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बंदा थोड़ा बहुत पुरो था, बट मेरे इतना तो नहीं था ना ये। तो जी हाँ, लास्ट में हम लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही होने वाला, ये वाला भी गेम हम लोग बोया करेंगे। बट फाइट कितना अच्छा हुआ ये देखो, इसलिए बंदे को लोग मार के फिनिश करते, फिर हम जल्दी से जोन जाते हैं। और यहाँ पर बंदे को लोकेशन पता नहीं था, फिर अचानक से मेरा ड्रैगी कितना काम आएगा ना वो देखना भाई। ड्रैगी के चक्कर में बंदे को लोकेशन को पता चल गया बंदा यहाँ पर है, तो बंदे के पीछे जल्दी जाते हैं और एक एडोलेंस का शॉट मारते हैं, उसके बाद वापस एक एडोलेंस से मारते हैं, तो ये बंदा यहाँ पर से मर जाता है। और ये वाला गेम में हम लोग 12 किल किए थे, क्योंकि भाई वेपन ग्लोरी में ढूंढने में ना ज़्यादातर टाइम मेरा वेस्ट जाता है, तो इसलिए वेपन ग्लोरी हम छोड़ के भाई सीधा ग्रैंड मास्टर डी पुशिंग कर रहे हैं। तो 28 का प्लस मिलता है इस वाले गेम के अंदर से, और 2 का वो स्ट्रिक हो चुका है। इस वाले गेम में अभी जस्ट यहाँ पर एक बंदे को हम लोग मार चुके हैं, और मैं 10 किलो ऑलरेडी हो चुका, और यहाँ पर से एक आखिरी वाला बंदा अलाइव है जिसको हम लोग मारे। तो यहाँ पर से जो मॉन्स्टर होता है उसको हम पकड़ लेते हैं, और बंदे को ढूंढते कि बंदा किस साइड है। तो हमको भाई सामने तो कोई बंदा दिखता नहीं है, तो तब भी हम लोग मॉन्स्टर को मारे, क्योंकि देखो अगर पैदल अगर हम जाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बंदे लोग यहाँ पर से गाड़ी या फिर मान लो फिर M249 से बंदा मारेगा तो फिर हम कैसे बचेंगे। तो इसलिए हमको मजबूरी में एक गाड़ी चलाना पड़ रहा है। वैसे हमको गाड़ी चलाना उतना कुछ खास पसंद नहीं है, बस हम टाइम पास करने के लिए गाड़ी चलाते हैं। अब देखो हम गाड़ी लेके जा रहे थे तो बंदा हमको दिख जाता, जो कि भाई पीछे छूट जाता, तो हम लोग वापस से गाड़ी से उतरते और सीधा बंदे को मारने का ट्राई करते। लेकिन ये बंदे को जितना हम हल्के में लेते उतना हल्का बंदा नहीं था, अच्छा खासा डैमेज ही रहता। तो यहाँ पर से इनहेलर फूक लेते हैं, और भाई पता नहीं इनहेलर को फूकना बोलते कि यूज़ करना बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, क्योंकि भाई ये थोड़ा अजीब ही टाइप से मतलब उसको यूज़ करता है। तो यहाँ पर से बंदे को मार के फिनिश कर लेते हैं, और 11 किल के साथ ही वाले गेम कर लेते हैं वो या। अब चलो फिर देखते हैं कितना प्लस मिलेगा। तो हम लोग इस वाले गेम में मिलता है 50 का प्लस। अब हम गेम धीरे धीरे कम करके खेल रहे थे, क्योंकि भाई मेरे साथ तो एक भयंकर सा प्रॉब्लम हो गया था, जो कि हम बताने वाले नहीं है। ठीक है, उसको अगर पता करना तो इंस्टाग्राम पे आ जाना और पूछ लेना, हम बता देंगे। बाकी यहाँ पर से बंदे को हम लोग उड़ा देते हैं, और ये बंदा यहाँ पर से जोन के बाहर जाके गिरता, और अभी भी यहाँ पर से दो बंदा अलाइव है, और ऊपर से मेरा मॉन्स्टर का हेल्थ भाई एकदम पूरा खराब हो चुका है, और आगे चल के मेरा मॉन्स्टर भी फूट जाता है। तो भाई ये जो बंदा ना उसके ऊपर बहुत गुस्सा है कि ये बंदा भाई मेरा मॉन्स्टर कैसे फोड़ा। उसके बाद ये बंदा जैसे ही भागता है, इसका जो बाइक होता है उसको हम लोग फोड़ने का ट्राई करते हैं, और भाई इस बंदे का नसीब इतना खराब है कि इसका बाइक भी फोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी होता है ना इसको हम ले लेते हैं, और सीधा बंदे को उड़ाने के लिए जाते हैं। और इस तरह बंदे को जो आखिरी वाला बंदा है वो भी मार रहा था, तो यहाँ पर से हमको बंदे का लोकेशन दिख चुका इधर है, और ये लो भाई ये बंदे को भाई एकदम उड़ा देते हैं, और ये बंदा यहाँ पर से मर जाता है। अब जो आखिरी वाला बंदा है उसको हम लोग कैसे मारेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, उनको लगा कि बंदा इसी साइड होगा, बट भाई ये बंदा यहाँ पर से लेफ्ट साइड से आ जाएगा, आपको दिखा देंगे अभी। इस समय पे भाई उनको समझ में आता है कि भाई मेरा लक कितना अच्छा है, भाई अगर हल्का सा मिस्टेक करते मेरा हेड उड़ता और भाई यहाँ पास ये वाला वीडियो नहीं बनता। फिर टॉप 2 वाला गेम प्ले देखते भाई, जिसमें आपको भी खराब लगता और उनको भी खराब लगता। और इस वाले गेम के अंदर से वापस से 48 का प्लस मिला, क्योंकि ये भी डेली मिशन था। ठीक है, क्योंकि वीडियो शूट इतना लेट से करते हैं क्या ही बताएं। तो चलो फिर यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है, ट्रोगोन लेके हम लोग जा रहे थे, और मेरे पास यहाँ पास एक कायरोस कैरेक्टर के एबिलिटी, जो कि भाई ट्रोगोन के साथ काफ़ी अच्छा चलता है। तो यहाँ पास हम लोग गाड़ी से ही घूम लेते हैं, क्योंकि लास्ट लोग बंदे को जानते हुए करते हो कि भाई गाड़ी से ही मारना ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम। तो यहाँ पर से देख सकते हो ये बंदा गाज के पीछे था, तो हम सोचिए सबसे पहले इस तरह बंदे का वेस्ट फाड़ते, फिर बाद में बंदे को फाड़ेंगे। तो यहाँ पर से बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज होता है, तो बंदे का यहाँ पर से वेस्ट फड़ जाता है, मेरा जो काम था वो यहाँ पर से हो जाता है। अब बाकी का काम ऊपर वाला बंदा करेगा, जो कि इसको मारेगा, और एकदम सही टाइम पर हम जाके उस वाले बंदे को मार देंगे। तो इसको बोलते हैं प्लान। ठीक है, तो प्लान बना के हमेशा खेला करो गेम में। और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, और भाई वो जो बंदा था कब का मर चुका, और यहाँ पर से ये भाई साहब मेडिकेट यूज़ करे, तो अंदर से घुसते और सीधा बंदे को डैमेज देते हैं,
और बंदे को हम लोग मार देते हैं, उसके बाद कैरेक्टर स्किल ब्लॉक करके बंदे को एकदम काफी ओपी अंदाज से फिनिश कर देते हैं। तो 7 किल के साथ ही वाले गेम कर लेते हैं वो यहाँ। अब चलो फिर देखते हैं इस वाले गेम की तरफ से कितना प्लस मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं गाइस, और हम लोगों को मिलता है 27 का प्लस, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा है। वैसे उतना भी ज़्यादा नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि वो 29 का प्लस मिलता और कहाँ 27 का प्लस मिला। तो हाँ, 2 का फ़र्क है, बट कोई बात नहीं, मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर से देख सकते हो 9 किल है मेरा, और अभी भी यहाँ पर एक आखिरी वाला बंदा 11 जो कि नीचे की साइड है, और हम सीधा जाएंगे तो फिर वो बंदा हेड शॉट मार सकता है, तो ग्लूबल लगा के जाना पड़ता है। और भाई मेरा नेट इतना कमज़ोर है कि भाई वहाँ तक गया ही नहीं, तो हम थोड़ा सा और क्लोज जाते हैं बंदे के, और कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं जाएंगे, फिर बंदा हम लोग को भाई मार देगा। बट कोई बात नहीं, मेरे पास FGL का ना, तो FGL से सबसे पहले बंदे को मारने का ट्राई करते हो, और ये लगा एक शॉट ये बंदे के ऊपर पड़ता है और 18 का डैमेज पड़ता है। और यहाँ पर से वापस हम ग्रेनेड कुक करने वाले थे, बट भाई एकदम सही टाइम पर भाग गए, क्योंकि भाई FGL से जितना डैमेज पड़ा उतना ग्रेनेड से पड़ता है, बट भाई FGL ना पूरा वेस्ट को फाड़ डालता है, तो इसलिए हम FGL ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे नेट के बिना। और ये FGL जो मारे ना, ये पता नहीं किधर चला गया और बंदे में आग लग गया। तो ये वाला गेम 10 किल के साथ वापस से बोया कर लिए। एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हो, जब से वेपन क्लोडी छोड़े तो भाई मैं 10-15 किल ऐसे हो रहा है। तो इस वाले गेम में हम लोग को 30 का प्लस मिलता है, जो कि भाई डेली मिशन नहीं था, ठीक है। और 2 का बोया स्ट्रिक हो चुका है, और यहाँ पर से भाई 2 बंदा था, जिसमें से एक बड़े बंदे को हम लोग भाई हेलीकॉप्टर बना के उड़ा देते हैं, और ये बंदा जमीन पर गिर के मर जाता है। तो अभी भी यहाँ पर से कुछ बंदे अलावा जिनको हम लोग यहाँ पर से मारना है, तो गाड़ी लेके हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं। वीडियो अभी तक देखो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आप लोग के सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भाई मेरा सपना है 1,00,000 सब्सक्राइबर होने का। अब पता नहीं कब होगा, वैसे ये सपना बहुत पहले से देखे थे, बट अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, आई होप इन फ्यूचर हो जाए। बाकी यहाँ पर से गेम प्ले तो देख ही सकते हो, बंदे को फुटबॉल बना के गाड़ी से उड़ा दिया, और यहाँ पर से भाई 2 किल मिलना था तो 1 किल मिला। उसके बाद ये भाई साहब यहाँ पर से बीच में टांग अड़ाने आ गए, तो बंदे का टांग काट दिए, और उसके बाद हम लोग सीधा गाड़ी पे बैठ गए, और ये बंदा यहाँ पर से मर गया। और अभी भी 2 बंदे इलावा जिनको हम लोग यहाँ पर से मारना, तो गाड़ी से हम लोग सबसे पहले जोन के अंदर जाते हैं, और ये दोनों बंदे को ढूंढते हैं, ये दोनों बंदे हैं कहाँ, क्योंकि लास्ट में बंदे इतना ज़्यादा कैंपिंग करते हैं क्या ही बताए। बट ये लोग भाई थोड़ा सा प्रो लेवल के अच्छे बंदे थे, क्योंकि देखो ये लोग कैंपिंग नहीं करते, बट मेरा नसीब अच्छा नहीं था इस वाले गेम में, और यहाँ पर से हम लोग मारे जाते हैं। बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, और ये वाला गेम हम लोग बैक कर लेते हैं। उसका प्लस हम नहीं दिखा दे, क्या किया इतना गुस्सा में हम बैक के देखिए क्या ही बताया, तो उसका प्लस नहीं दिखा। बट ये वाला गेम आप लोग देख सकते हो, देखो ये वाला गेम तो काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन हमको यहाँ पर से डर लग रहा था कि कहीं कोई बंदा नीचे जाके हीलिंग मेटल ना कर ले, जो कि भाई मेरे सबसे बड़ा मुसीबत का कारण होता है, क्योंकि हम हीलिंग मेटल अक्सर हारते, क्योंकि हीलिंग मेटल भाई हमको आता ही नहीं करने, और ना भाई करने में कोई इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी। बाकी यहाँ पर से जो बंदा रहता है उसको हम लोग काफ़ी डैमेज तोड़, यहाँ पास 2-3 बंदे आपस में लड़ते हैं, और ऊपर से एक और बंदा कूद जाता है और एक बंदा दूसरे को मार देता। अब यहाँ पर से 1v1 का फाइट बचता है, और उसके बाद हम एकदम रेडी होते हैं फाइट के लिए। सबसे पहले बंदे का स्किल ब्लॉक करते हैं, बंदा मेरे पे FGL फेंकता है, हम बंदे को यहाँ पास काफी और डैमेज देने का ट्राई करते हैं, बंदा ग्लूबल के अंदर छुप जाता है, उसके बाद वापस एक शॉट मारे और एक और शॉट मारे और एक और शॉट मारे, और उसके बाद ये बंदा ग्लूबल लगा देता है। ग्लूबल लगाने के बाद ये वाला बंदा एकदम अंदर से पैक हो जाता है, तो मेरे पास भी नेट होता है, नेट फेंक देते हैं बंदे के ग्लूबल के अंदर, और ये बंदा थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर से मर जाएगा, और जैसे ही मरेगा सभी लोग सब्सक्राइब बटन को भी यहाँ पर से मार डालना। तो यहाँ पर से हम लोग गेम बोया कर लिया, बंदा मर चुका है, और चलो फिर देखते इस वाले गेम इधर से कितना प्लस मिलता है। बाकी गाइस सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तो हम लोग को 24 का प्लस मिलता है इस वाले गेम के अंदर से। इस वाले गेम में 5 किल था, और मेरे अलावा 3 बंदे अभी भी अलाइव है, जिसमें से हमको यहाँ पर से सभी बंदे को मार के बोए ले जाना है। बट भाई इस वाले गेम में थोड़ा सा लक तो मेरा ख़राब था, तो तुम लोग समझ ही सकते हो क्या होगा। बट भाई गेम प्ले मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था इस वाले गेम में, बट क्या बोल सकते यार, थोड़ा सा दिमाग का कमी है ना मेरे में, तो उसके चक्कर में यहाँ पर से हम लोग मर जाते हैं। बट कोई बात नहीं भाई, रिग्रेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा खेले हैं, और बंदे FGL फेंक फेंक के भाई मेरा ग्लूबल ख़राब कर रहे थे, और 10 ग्लूबल बचा था मेरे पे, और यहाँ पर हम किल के चक्कर में भाई यहाँ पर से क्या ही बोले एकदम पागल थे, तो बंदे का ग्लूबल तोड़ रहे और बंदे को यहाँ पर से मारने का ट्राई कर रहे हैं। बट यहाँ पर से पता है अफसोस की बात क्या है, कि मेरे पास जो M60 के अंदर ज़्यादा MO ही नहीं बचा है, जिससे 1-2 ही बस ग्लूबल टूट सकता है। तो यहाँ पर से हम इस वाले बंदे को वो छोड़ ही दिए, क्योंकि वो पता था कि बंदा मरेगा नहीं, और लास्ट में बस 1-2 HP का छूट जाएगा, और यही मेरा सबसे बड़ा गलती था। बाकी यहाँ पर जो ब्लैक ग्लूबल वाला बंदा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर से देख लेते हैं, और भाई इस वाले बंदे के ऊपर हम लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए, और आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है मेरे साथ। जो चीज़ तुम लोग को सिखाते वही गलती हम करते यार, क्या बोले मेरे को अभी ये वाला गेम प्ले देख के रिग्रेट हो रहा है कि हम क्यों ऐसा हरकत किया। भाई हम सीधा बंदे पे रश कर देते हैं, हमको पता है कि पीछे साइड बंदा है, बट फिर भी, और मेरा नसीब इतना अच्छा कि बंदे को मार देते। बट रुक जाओ भाई, जिंदगी और नसीब दोनों सेम चीज़ है, कब चेंज हो जाए पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ये लो हो गया भाई ख़त्म। पर कोई बात नहीं गाइस, आई एम आसू गेमिंग, और ये टॉप 2 भाई हमको आगे के लिए प्रिपेयर करेगा अच्छा गेम प्ले करने के लिए। तो भाई इस वाले गेम के अंदर से मिलता है 42 का प्लस, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर से और वीडियो शूट करने। तब तक आप लोग मेरा फाइनल स्कोर देख लो, क्योंकि भाई 10 दिनों तक लगातार वीडियो तो नहीं डालेंगे, बट भाई जितना पार्ट डाला उसमें भाई काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स होने वाले हैं, तो हम 10 दिन तक काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे।
तो शायद हम इंस्टाग्राम भी नहीं चला तो वहाँ पर मैसेज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग ओके पे क्लिक करते हो, मेरा स्कोर देख सकते हो भाई कितना हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो चले तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारे बंदे सुपर थैंक्स ये सब देते हो तो भाई अभी रुक जाओ, जब आप लोग अमीर बनोगे तब दे देना। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।